हेलो जी हाँ नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक और अपडेट न्यूज लेके आया हूँ। दोस्तों जो न्यू विजिटर उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अभी से, क्योंकि आपको रीट से जुड़ी हर पल पल की अपडेट न्यूज सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और एक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पूरी न्यूज बता देता हूँ। तो दोस्तों ये क्या है, जो दूसरे दिन हुई अंग्रेजी व हिंदी विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग, जो एडिशनल बीए वालों को भी नहीं किया शामिल। तो दोस्तों इसमें क्या है, बीए वालों को भी बाहर कर दिया गया था। तो अलवर की न्यूज है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को दी गई लेवल सेकेंड विषय की काउंसलिंग में काफ़ी गफलत हुई। दरअसल विद्यार्थियों ने 3 घंटे तक यह तय नहीं कर पाए कि काउंसलिंग में हरियाणा में से बीए करने वालों को शामिल करें या नहीं। तो करीब 3 घंटे बाद यह तय हुआ कि हरियाणा से बीए करने वालों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग शुरू हुई तो एन मौके पर अधिकारियों द्वारा मना करने पर काफ़ी शिक्षकों ने एतराज भी जताया, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद पहले जो विकलांग व शहरी क्षेत्र में यथावत वालों को काउंसलिंग शुरू की गई। इसके बाद जो सामान्य सूची के अनुसार काउंसलिंग शुरू की गई, हरियाणा से बीए करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने के निर्देश खुद डीओ माध्यमिक प्रथम जो अरुणेश सिन्हा ने दिए। सवाल यह है कि बिना तैयारी के काउंसलिंग कराने बैठे अधिकारियों ने यह पहले क्यों नहीं तय किया कि कौन शामिल होगा और कौन नहीं, जबकि सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने के निर्देश पहले से ही जारी किए हुए थे। तो काउंसलिंग में एडिशनल अंग्रेजी वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल नहीं किया गया, तो क्यों हो, क्या होगा इन अभ्यर्थियों का? तो डीओ माध्यमिक प्रथम अरुणेश सिन्हा ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को इनके वैकल्पिक विषयों के अनुसार सूची बनाकर काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इनका कहना है कि हरियाणा में अंग्रेजी को अनिवार्य माना गया है, ऐसी स्थिति में जो RTI से मिले जवाब के अनुसार इन्होंने राजस्थान में पात्र नहीं माना गया है। तो डीओ का कहना है कि कुछ अभ्यर्थी यह चाह रहे थे कि उन्होंने काउंसलिंग में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में से बीए करने वालों से स्पष्ट रूप से जो लिखित में लिया गया है कि उनकी बीए हरियाणा से है। यदि किसी शिक्षक ने जो तथ्य छिपाकर काउंसलिंग में हिस्सा लिया होगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ऐसी अपने न्यूज पाने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और जो न्यू विजिटर उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हर पल पल की अपडेट न्यूज मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एक दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।